चलिए, सर वो मेरे सिस्टम में अभी अवेलेबल नहीं रहता अभी। ये आपके सिस्टम से सेलफोन से है या सिस्टम से है? तो आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल के बाद वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कोडिंग सीखते हैं। सबसे पहले हम कोडिंग के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जब हम कोडिंग का बात करते हैं तो इससे पहले हम क्यों कैसे करते हैं बात कर चुके हैं, क्योंकि कोडिंग का यूज हम लोग करते हैं अपने रिपोर्ट को ऑटोमेट करने के लिए। तो कोडिंग करने से पहले आपके पास होना होगा, चाहिए होगा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जरूरी है क्योंकि विदाउट एल्गोरिदम आप कुछ नहीं कर सकते। अब एल्गोरिदम क्या होगा, स्टेप्स कि आखिर आपको करना क्या है। जैसे मान लीजिए कि मुझे छोटा सा यहाँ पे एक समरी बनाना है, तो हमने यहाँ पे इसका एल्गोरिदम तैयार किया कि स्टार्ट, यहाँ पे हमने बोला सेलेक्ट ए वन, एंटर नेम, सेलेक्ट एंटर रोल, सेलेक्ट सी वन, एंटर मार्क्स, सेलेक्ट ए वन से सी टेन, अप्लाई बॉर्डर, सी वन, एंटर नेम, नेम नहीं से एंटर टोटल, टोटल नहीं सी वन नहीं ए वन हो, ए वन एंटर टोटल, सेलेक्ट सी टेन, अप्लाई आप बोलेंगे सर क्या जरूरत है, तो पता ही हमको। बेसिकली क्या होता है कि आप अपने रिपोर्ट को ऑटोमेट करते हो, तो आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, राइट सर? आपको अपने रिपोर्ट को कुछ करना है तो आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अगर आप किसी और रिपोर्ट पे, किसी के और रिपोर्ट के पे काम कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको नहीं पता कि उसमें क्या क्या करना है। क्योंकि आपको बताया जाएगा ऐसा करना, ऐसे करना, ऐसे करना, और ना आप ना हम इतने जीनियस हैं कि सारे स्टेप्स हमें याद हो जाएंगे। क्या सर, याद तो नहीं होगा ना सर? जी सर, एक मिनट दीजिएगा, पंकज स्टेट बैंक से फोन है। हाँ पंकज जी, हाँ पंकज जी, तो बेसिकली ये इस तरह के स्टेप्स डिजाइन करने से आपको पता चलता है कि इसमें हमें क्या कोड लिखना है। दूसरी चीज क्या है, ये ब्लूप्रिंट होता है एक तरह से। तो आप पहले ही देख लोगे कि किसका कोड आपको आता है, किसका कोड आता है, किसका कोड आता है। किसी का कोड अगर आपको नहीं आया तो आप उसके जाने, हाँ मुझे इसका कोड पहले बता कर लेते हैं। माइक्रो लिखते समय स्टक हो गए आप कि भाई कोड क्या होगा, कैसा होगा, नहीं आप स्टेप लिख के ही देख लो। तो आप लोग जो भी प्रोग्राम बनाओगे उसके स्टेप्स को पहले नोट पैड में नोट करोगे, और पहले आप उसकी कोड को मैनुअल लिखोगे, ठीक है? उसके बाद जिस लाइन ऑफ कोड का आपको नहीं पता है उसके बारे में रिसर्च करके उसका कोड लिखोगे, देन आप मैक्रो बनाओगे। लेकिन क्या होता है कि हम अपना मैक्रो बनाते हैं तो हमें सारे स्टेप्स हमारे दिमाग में होते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एल्गोरिथम बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्टेप के साथ चलना होता है। जैसे मान लीजिए अप्लाई बॉर्डर, तो उससे पहले एरिया को सिलेक्ट करके अप्लाई करना है। मान लीजिए कि हमने सिलेक्ट किया ही नहीं, अप्लाई कर दिया, स्टेप छूट गया, चाहे ए स्टेप्स नीचे लिखा लिख गया, सिक्वेंस अनसिक्वेंस हो गया, तो दिक्कत होगा ना। कि पहले आपको डेटा कॉपी पेस्ट करने के बाद पिवट लगाना है ना, कि पहले आप पिवट लगा कर फिर डेटा कॉपी पेस्ट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना आपको सर। इस तरह के स्टेप्स के लिए पहले आपको एल्गोरिदम लिखना जरूरी है। जब आपकी एल्गोरिदम तैयार हो जाए, उसकी कोड आप समझ लो, फिर हम उस पर कोड करेंगे। तो कोड करने के लिए डेवलपर टाइप के अंदर, डेवलपर टाइप अगर नहीं है तो क्या करेंगे, फाइल के अंदर ऑप्शन में कस्टमाइज रिबन,
और यहाँ डेवलपर टैब को लेके आएंगे। विजुअल बेसिक पे क्लिक करके जाते हैं तो यहाँ पे जितने भी फाइल्स ओपन होंगे सबको लिस्ट दिखेगा, और जितने भी आपके एडिंस होंगे, जैसे मैंने देखिए फंक्शन नाम का एडिंस लास्ट क्लास में बनाया था सर, यहाँ पे है, खुला रहेगा सर। जी जी सर, रहेगा। फिर हम कोड कहाँ करेंगे, तो हम सीट वन पे डबल क्लिक, जितने भी सीट है उसका लिस्ट आपको दिख रहा है, मतलब कि बुक वन में मेरे पास तीन सीट है, तीन सीट के नाम हो रहा है, नाम चेंज करोगे तो वहाँ भी चेंज हो जाए, जैसे मैंने नाम कर दिया डेटा, तो आप यहाँ भी देखोगे कि आपका डेटा चेंज हो जाएगा। तो इस पर भी डबल क्लिक के कोड कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं और इस पर भी कर सकते हैं, बट इन सब पे हम कोड नहीं करते। जैसे सीट वन पे मान लीजिए कोड कर दिया और सीट वन डिलीट हो गया तो आपके कोड भी डिलीट हो जाएंगे, सो यहाँ पे हम कोड नहीं करते। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कोड कर भी देते हैं तो अनोदर सीट से, अनोदर फाइल से इसको रेफरेंस लेने में दिक्कत होता है, वो एरर देगा। तो कोड कहाँ करेंगे, तो कोड करने के लिए हम इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल्स, और साथ में बता दूंगी जो खुला हुआ है इसका नाम है वीवी एडिटर, वीवीई, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट होता है। बहुत सारे लोग इंटरनेट इस पे गूगल पे सर्च करने लगते हैं वीवी एडिटर हाउ कैन डाउनलोड, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ मॉड्यूल्स इंसर्ट कर लिए, डबल क्लिक किया, तो ये आपका होता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी, सॉरी यहाँ से, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल आर, अगर यहाँ ना मिले तो यहाँ व्यू में जाएं, व्यू में, और ये रहा आपका कंट्रोल आर। तो दो चीज चाहिए होता है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर एंड प्रॉपर्टीज, नीचे वाला जो प्रॉपर्टीज है आपका, मतलब कि आप कैसे नेविगेट करेंगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, एक फाइल से दूसरे फाइल में, उसके लिए प्रोजेक्ट की जरूरत होगी, बीबी प्रोजेक्ट की, और दूसरा जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिखेंगे, तो उस प्रॉपर्टीज की आपकी जरूरत पड़ेगी। प्रॉपर्टीज के बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे जब हम पढ़ाएंगे यूजर फॉर्म, वहां बहुत यूज होता है। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो, स्टार्ट मतलब कि मैक्रो डिक्लेरेशन, तो मैक्रो डिक्लेयर करने में भी एक रूल है, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने आगे दिया सब्जेक्ट या पब्लिक सब, सब या पब्लिक सब कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे माइक्रो नेम, जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दिया टेस्ट, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर मारेंगे तो टेस्ट नाम का माइक्रो, देखिए माइक्रो लिस्ट में यहाँ आपके पास आ गया। अब इसको यहाँ से रन कर दें, इसका शॉर्टकट बना लें यहाँ पे ऑप्शन पे जाके, या फिर किसी बटन पे साइन कर दें रन करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा नाम लिखते समय, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टेस्ट टूडे कर दिया तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें बीच में स्पेस या डॉट डैश प्लस माइनस, इस तरह के जो स्पेशल करेक्टर है आप नहीं दे सकते। हाँ, इसमें अंडरस्कोर आप दे सकते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। दूसरा, एक नाम के दो मैक्रो एक मॉड्यूल में नहीं बन सकते, एक नाम का एक ही मैक्रो बनेगा, इसका ध्यान भी रखिएगा। तीसरा, इसमें आप थ्री डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नहीं डालेंगे, जैसे राज वन एक गलत नाम, क्यों, क्योंकि जैसे हम इसको रन करने जाएंगे, ये देखिए रन नहीं करने देगा क्योंकि राज वन का ऑलरेडी हमारे पास रेफरेंस है, ठीक है। यस सर, हमेशा ध्यान रखेंगे, ये समझ में आ गया। जी सब क्लियर। तो आगे चलिए चलते हैं, तो सिलेक्ट, तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने माइक्रो नेम यहां पे डिक्लेयर कर दिया। अब हम जो करेंगे वो करेंगे अपने एल्गोरिथम से, जैसे कि अभी आपको सिलेक्ट यहां पे क्या होता है कि रेंज के अंदर में, जब भी हम रेंज कोई भी हम ये बनाते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट लेते हैं,
राज वन को एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे टेस्ट कर देता हूँ। जब भी कोई मैक्रो बनाते हैं तो बेसिकली उसके चार मेन ऑब्जेक्ट होते हैं, पहला एप्लीकेशन, दूसरा वर्कबुक, तीसरा सीट्स, चौथा डेट। अब ये क्या होता है, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि आप जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं तो आप पहले मोस्टली नाउन या प्रोनाउन में यूज करते हैं ना सर, इंग्लिश बोलते समय इंग्लिश का जो भी सेंटेंस प्रोनाउन करते हैं आप, या राइट करते हैं या बोलते हैं या कमांड देते हैं, तो आपका पहला वर्ड मोस्टली क्या होता है, पहला वर्ड मोस्टली हमारा होता है। अंग्रेजी में आवाज आ रही है आपको? हेलो, मैं आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही यार। तो यही हमारा पहला वर्ड है कि हम अपने कोई भी कोड का जो पहला वर्ड है इन चारों में से एक लेते हैं, और चारों में से एक क्या होगा और डिपेंड करता है आपका लाइन ऑफ कोड के परफॉर्मेंस में, मतलब कि एल्गोरिथम में। जैसे सबसे पहला यहाँ पे कहता है सिलेक्ट A1, A1 क्या है, रेंज है, सेल को VBA में रेंज कहा जाता है, रेंज है। तो हम यहाँ पे रेंज लेंगे, यहाँ पे कि रेंज, तो रेंज हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे रेंज का एड्रेस देंगे और ये हमारा एक्शन है कि सेलेक्ट। तो कोई भी कोड लिखने का तरीका VBA में क्या है कि आप यहाँ ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस और यहाँ पे एक्शन। तो ऑब्जेक्ट और एक्शन के बीच में आपका डॉट्स का सेपरेशन सेपरेटर होगा, मतलब कि रेंज, मतलब कि रेंज सेल में A1 पे सेलेक्ट करना। दूसरा यहां पे आता है एंटर द नेम। अब यहां पे डिसाइड नहीं है कि नाम कहां एंटर करना है, तो यहां पे रिलेटिविटी होगा, मतलब कि ये दूसरा कमांड पहले कमांड से रिलेटेड है कि सिलेक्ट A1 हम जो सिलेक्ट किए हैं उस पे यहां पे नेम देना है। तो जो सिलेक्ट होता है वो सिलेक्शन या एक्टिव सेल होता है, तो यहां पे सिंगल सेल है, यहां पे हम देंगे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। यहाँ पे बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो हमने कोई रेंज ऑब्जेक्ट का रेंज का है, एक अदर नेम एक्टिव सेल है हमारा, इसी का पार्ट होता है, बट इसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्यों नहीं दिया, क्योंकि फिक्स है कि जिस पे कर्सर होगा उसको एक्टिव सेल मान लेगा। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट डिटेल देने की जरूरत नहीं है। तीसरा आता है सिलेक्ट B1 रॉल C1 मार्क्स। तो हम इसी कोड को रिपीट कर कॉपी करके रिपीट कर देते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े। तो यहाँ पे हमने C1 कर दिया और यहाँ पे रॉल, और यहाँ पे हमने कर दिया यहाँ पे B1 होगा ना, और यहाँ पे हमारा हो जाता है C1 और यहाँ हो जाता है मार्क्स। ओके, अब अगला एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है, कहता है सिलेक्ट A1 से C10, A1 से C10 इतना सिलेक्ट करना है। तो सेम रेंज, अब यहाँ पे रेंज कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे A1 से लेकर C1 जैसे एक्सेलरेट करते हैं C10, ऐसे यहाँ पे लिखते हैं डॉट सिलेक्ट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अप्लाई बॉर्डर। अब यहाँ नहीं बताया गया है कि किस सेल में बॉर्डर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे रिलेटिविटी होगा कि अगले जो जो सिलेक्ट हुआ है उसी पे बॉर्डर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सिंगल सेल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने C1 B1 A1 के लिए एक्टिव सेल यूज कर लिया, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीपल सेल्स। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, सिलेक्शन भी हमारा फिक्स वर्ड है रेंज के लिए, जो सिलेक्टेड एरिया है दैट कॉल सिलेक्टेड। और यहां पे हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं, बॉर्डर डॉट लाइन स्टाइल। और एक ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोड लिखेंगे स्मॉल लेटर में या फिर कैप्स लेटर में, कोड लिखने के बाद जब कर्सर नीचे लाएंगे तो हर कोड का फर्स्ट लेटर आपका बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा हो गया इसका मतलब है कि आपका आपका जो प्रोडक्ट है वो लिस्टेड है, मतलब कि आपकी कोड सही है।
अगर बड़ा नहीं हुआ इसका मतलब है कि कोड की स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर कोड इस वर्जन में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो कोड लिखते समय इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहां पे आता है सिलेक्ट 18, तो सेम हम इसी को अप्लाई करते हैं। और यहां पे रोल की जगह पे टोटल, और फिर वापस इसे कॉपी करूंगा C10 और यहां पे सम का फॉर्मूला हो जाएगा, सम ब्रैकेट C9। आपका एल्गोरिथम खत्म हो गया। अब मैं इसको अगर प्ले करता हूं तो मेरे एल्गोरिथम के हिसाब से ये वर्क करेगा। यहां पे एरर आया, क्या एरर आया? सिलेक्शन डॉट बॉर्डर्स होता है, यस लगता है इसमें। आ गया सर। तो एल्गोरिथम जरूरी है, एल्गोरिथम के हिसाब से काम करेंगे। और दूसरा ध्यान रखिएगा कि यहां पे हमारे पास मेन चार ऑब्जेक्ट होता है, एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट्स एंड रेंज। तो सबसे पहले हमने आपको क्या सिखाया कि आपको जिस भी वर्क का, जिस भी प्रोसेस का, जिस भी प्रॉब्लम का ऑटोमेशन करना है, पहले उसका स्टेप तैयार करेंगे, जिसको हम लोग एल्गोरिथम या एल्गो कहते हैं। फिर हम उस एल्गो के अकॉर्डिंग हम कोड करेंगे। कोड कहाँ करेंगे? तो मॉड्यूल्स में, एक मैक्रो बना के। और मैक्रो का पहला वर्ड इज मोस्टली, हमें हर वर्ड की बात नहीं हो रही है, मोस्टली चार में से एक होता है, एप्लीकेशन, वर्कबुक, रीसेट, रेंज। जैसे कि आपको अगर एप्लीकेशन की कोई सेटिंग का कमांड है आपका, तो एप्लीकेशन होगा। फाइल ओपन क्लोज का कुछ ऐसा कमांड हुआ, फाइल सेव, सेव एज, ओपन क्लोज, पासवर्ड वगैरह, तो वर्कबुक आएगा। एक सीट के ऊपर सीट इंसर्ट करना, डिलीट करना, मूव करना, कॉपी करना, हाइड अनहाइड, तो शीट्स का इस्तेमाल होगा। रेंज का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, क्योंकि एक्सेल में हम जो भी काम करते हैं वो पर्टिकुलर रेंज पे ही करते हैं। हमें फाइल को ओपन करना हो, फाइल को हमें पिवट लगाना हो, चार्ट लगाना हो, कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, पिवट लगाना हो, सब चीज हम रेंज पे करते हैं। तो रेंज का अच्छा यूज है। तो हम चार में से फिलहाल हम तीन को पढ़ेंगे, एप्लीकेशन थोड़ा सा एडवांस है तो धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। तो चार में से पहले एक को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वर्कबुक की, ठीक है सर? वर्कबुक, तो अभी मैं जस्ट कोड एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी इसको रन करके नहीं दिखा रहा। वर्कबुक में सबसे पहले क्या होता है? एक नया वर्कबुक को क्रिएट करना। तो वर्कबुक क्रिएट करने का कोड क्या होता है? वो होता है यहां पे कि वर्क बुक्स डॉट एड। एक कोड अगर कहीं भी रन कर रख देंगे तो वहां पे क्या होगा, कंट्रोल एन होके एक नया वर्कबुक ऐड हो जाएगा। अब जो नया वर्कबुक ऐड हुआ है उसको सेव भी करना है, तो हालांकि वर्कबुक सेव करने का कोड होता है यहां पे वर्क बुक्स, यहां पे बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स डॉट सेव एज, और यहां पे पाथ जिसे डी ड्राइव सी ड्राइव है आपका, डी ड्राइव 2020 फोल्डर, इसमें 123 डॉट एक्सएलएस एक्सएलएस एक्स का फोल्डर से फाइल से नाम सेव करना है, ये सेव हो जाएगा। बट यहां पे हमारा ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जब मैं वर्कबुक ऐड करूंगा तो जरूरी नहीं कि बुक वन ही ऐड हो। तो आपको प्रोग्राम करते समय सिचुएशन को भी ध्यान में रखना है कि किस कोड रन करने के बाद, कौन सा कोड रन करने के बाद क्या सिचुएशन होगी। जैसे कि अगर ये वर्कबुक ऐड का रन होगा तो सिचुएशन होगी कि कोई सा ये बुक यहां पर आ सकता है, कोई सा भी। क्या करेंगे?
हमें पता है कि जो वर्कबुक ऐड होता है, जैसे हमने ये वर्कबुक को ऐड किया, कंट्रोल एम किया, तो मेरा ये वर्कबुक ही एक्टिवेट है। जो वर्कबुक ऐड होता है वही एक्टिवेट। तो यहां पे हम करेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, बाकी जो देते हैं। तो ये सिचुएशन भी आपको रीड करना होगा। तो समझ में आ रहा है आप लोगों की, नहीं आ रहा है सर कि सर ऊपर से जा रहा है? हेलो, ये हाँ आ रहा है सर, आ रहा है सर। ओके जीतू जी, आ रहा है आपको? जितेंद्र जी, आ रहा है आपको? हाँ सर। ये सर बुक नेम जो डिफाइन किए हैं वर्कबुक, वो नहीं समझ। देखिए क्या हुआ कि आपको कोई पर्टिकुलर फाइल को सेव करना है, तो ए है यहाँ पे फाइल के नेम और फाइल का एक्सटेंशन देके इसको सेव कर दोगे। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि मुझे फाइल को ऐड किया है, उस फाइल को सेव करना है। हमने जिस फाइल को ऐड किया है उसी फाइल को सेव करना है, तो यहाँ पे एक्टिव वर्क होगा, तब ये कोड नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि बुक वन फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे पता है कि मुझे जो फाइल ऐड की है उसको सेव करना है हमें, ये जो पहले से पता है, तो हम डायरेक्ट फाइल को ऐड करते हुए डायरेक्ट सेव कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपकी कोडिंग है वो सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे कि हम लोग भी बात करते हैं ना, सिचुएशन के हिसाब से, मतलब कि आप किसी से बात हो रही है तो सिचुएशन, चेहरे का भाव, जगह सब देखना होता है ना, तब हम उस मीनिंग को समझते हैं। क्या है मीनिंग? क्या कई सारे हमारे ना एक्सप्रेशन के हिसाब से होता है। तो यहां भी सेम चीज, सिचुएशन आपको देखना होगा, हर कोड को रन करने के बाद क्या सिचुएशन होगा ये आपको देखना। थर्ड फाइल, थर्ड कोड के रिगार्डिंग आप जरा रिपीट कर दीजिए। इसके बारे में बोल रहे हैं आप? नहीं, उसके नीचे वाला ए। ये हमारा हो गया वर्कबुक डॉट ऐड डॉट सेव है, बारे की ऐड करके सेव कर देगा डायरेक्ट नया फाइल। हाँ, नया फाइल वो सेव करके ही देगा हमें। ओके, नया फाइल सेव करके ही देगा। ओके, समझ गया सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब मान लीजिए कि मुझे फाइल हमने ओपन कर लिया, तो फाइल को मुझे, ये तो नई फाइल हमने ओपन किया, फाइल को सेव एज कर दिया। अब मुझे मान लीजिए फाइल, कोई पर्टिकुलर फाइल ओपन करनी हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट ओपन, और जहाँ से फाइल ओपन करनी है उसका पाथ आप यहाँ देख लीजिए, फाइल आखिर ओपन कहाँ से करनी है, राइट? और फाइल ओपन हुई है तो मुझे क्लोज भी करना है, तो वर्कबुक्स डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज कर दीजिए। अब फाइल क्लोज हुई है तो कौन सी फाइल क्लोज हुई है, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि बुक वन डॉट xlsx, कोई पर्टिकुलर फाइल को क्लोज करना है, या फिर आपको एक्टिव फाइल को क्लोज करना है वर्कबुक को, तो उसमें क्या करना होगा कि सब कुछ सेम रहेगा, बट ये इसके जगह पे एक्टिव वर्कबुक आ जाएगा। क्लोज में पूछेगा आपसे कि सेव करना है नहीं करना है, करना है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो अभी फिलहाल इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, अभी आपको ध्यान देना है एल्गोरिथम पे, इस ए मेन है आपका। तो आप लोग क्या कीजिए,